अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक रोस्टर। आज हम बात करेंगे कि आपने ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग कैसे करनी है, बॉर्डर कैसे लिखना है। अगर कोई इमेज है उसके पास, आपने बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, उसमें कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज हम विज़िट करते हैं, वेबसाइट का नाम आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद अपलोड इमेज करना है, टेक्स्ट कोई सी भी हम पिक्चर अपलोड कर लेते हैं, ये आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ये देखिए, ये आप इस फर्ज किया कि इस वेबसाइट को आप रिसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर जो फीचर्स हैं ये देखिए, गौर से देखें, रिसाइज, क्रॉप, एड टेक्स्ट, रोटेट, कलर चेंज, बॉर्डर दे सकते हैं, राउंड कर्व दे सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम कर सकते हैं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, एनिमेशन है, काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं और इसके अंदर आप सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए साइड पे जो निशान है सेव का। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं आपने क्रॉप कैसे करना है। तो क्रॉप करने के लिए ये देखिए, फ़र्ज़ किया कि ये जो फ्रेम है ग्रीन रेड कलर का, इसके ऊपर आप आएंगे और जितनी इमेज आप क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, और कलर चेंज करने के लिए ये देखिए, मैंने कलर चेंज पे क्लिक किया और ये इधर आ गया कलर। फ़र्ज़ किया कि मैं ये वाला कलर रखना चाहता हूँ, ये देखिए आपके सामने ही है, ये कलर चेंज हो गया, तो ये कलर आ गया। अगर कोई और करना चाहते हैं तो कोई और भी हो जाएगा। बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर पर क्लिक किया, साइड पर बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर विथ कितनी होनी चाहिए, 5, ये पहले से है लेकिन मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। हो सकता ये देखिए आपके सामने ये बॉर्डर आ गया। राउंड कॉर्नर देना चाहता हूँ और ये आ गया, इस पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ये राउंड कॉर्नर पे क्लिक हो गया। ये देखिए ये राउंड राउंड बन गया। उसके बाद इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ये टेक्स्ट आपने इधर आके लिखना है। फ़र्ज़ किया कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, इधर आप अप्लाई कर देता हूँ, आपके सामने ही है। ये देखिए ये नाम लिखा गया, ये इस तरह आप जब नाम लिखेंगे तो ये ऊपर नाम भी लिखे जाएगा। तो फ़र्ज़ किया कि हम नाम के ऊपर फ़ोटो फ्रेम डाल देते हैं। ये इस तरह है कि अगर आप फ्रेम देना चाहते हैं फ्रेम दे सकते हैं। तो ये इस तरह आपने सब कुछ लिख लेना है। रिसाइज करना चाहते हैं रिसाइज कर सकते हैं क्रॉप। अगर हाँ, आपको दूसरा बताऊँ, एडवांस फ़ोटो में एडवांस इसके जो फीचर्स हैं, वाइब्रेंट, ट्रांसपेरेंसी, ओवर इमेज, स्पीच बबल, एक्सपैंड, ये सब कुछ ये आप कर सकते हैं। एनिमेशन इसके अंदर है, फ्लोटिंग है, एड ग्लिटर, एड स्टार, ये सब कुछ आपको जो फोटो ट्रेनिंग के लिए बेस्ट वेबसाइट। अगर आप जब सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव भी हो जाएगी। तो ये इस तरह आप दे सकते हैं। ये देखिए ये अंडू की है, तो ये अंडू भी होगी जो मतलब को पहले थी। तो अब इस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और एड स्टार्स पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या शो हो जाता है। स्टार्स ये वाला, ये देखिए साइड पे जो स्टार जो अभी मैंने लगाया था वो स्टार शो हो रहा है, ये वाला कॉर्नर वाला। तो इस तरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि रेन, बारिश और कुछ भी, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जो करना चाहें लिए, लेकिन फ़ोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो ऑनलाइन वेबसाइट पर है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि आपने इस पर विज़िट कैसे करना है, सर्च कैसे करना है और गूगल पे कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग। जब आप ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग की सर्च करेंगे तो आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 वेबसाइट छोड़ने के बाद जब इस पे आएंगे 8वीं वेबसाइट के फ्री ऑनलाइन इमेज एडिटर पे, तो आपने इस पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन इमेज एडिटर .com। इस पे फ्री ऑनलाइन इमेज एडिटर पे आएंगे तो ये वेबसाइट पे इस तरह आप काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सेव करने के लिए साइट पे क्लिक करेंगे सेव हो जाएगी। ये थी आज की हमारी वीडियो, फ़ोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट है। तो फ़ोटो एडिटिंग आप कर सकते हैं।
वो भी फ्री में।